पौधों में पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी जो पुष्प हैं उनके पुष्पों में केवल या तो वह नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगी, यानी या तो उसमें नर जननांग पाए जाएंगे या मादा जननांग पाए जाएंगे। पुष्पों में और दूसरे पुष्पों में नर जननांग पुंकेसर होते हैं और मादा जननांग स्त्री केसर होता है। तो नर जन जैसे कुकुरबिटेसी के कुल हैं, कुल के सभी पादप हैं, उनमें जो पुष्प हैं वह एकलिंगी होते हैं। जैसे आप यहाँ पर करेला देख रहे हैं, ये इसका मादा पुष्प है, और जो पहले आपको पुष्प देख रहे थे वो नर पुष्प है, और इनको आराम से पहचाना जा सकता है। इनके जो अंडाशय हैं वो इन्फीरियर होते हैं और अधोवर्ती होते हैं, इसलिए वह अंडाशय नीचे होने से और पुष्प के जो दल हैं वह ऊपर होते हैं, इसलिए इनके जो अंडाशय का आकार फल की तरह होता है, जो फल में चेंज होगा वही अंडाशय बाद में विकसित होकर फल में चेंज होगा। ये आप एक मादा पुष्प है जिसमें नीचे अंडाशय लगा हुआ है और ये पुष्प आगे से ये वर्तिकाग्र वगैरह लगे हैं। तो यह जब इस पुष्प में परागण की प्रक्रिया हो जाएगी तो यह पूर्णतः फल में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो कुकुरबिटेसी के कुल के पुष्पों को हम आराम से पहचान सकते हैं। यह एक नर पुष्प है, देख रहे हैं इसके पीछे अंडाशय नहीं है, और ये जो और ये पुष्प एक मादा पुष्प है जिसको हम आराम से देख सकते हैं कि इसके पीछे से अंडाशय लगा हुआ है, दोनों पूर्ण रूप से विकसित पुष्प हैं। इस प्रकार से आप लौकी को देख लीजिए, लौकी में ये मादा पुष्प है जिनमें पीछे लौकी की तरह संरचना लगी अंडाशय है, और इसी के साथ साथ बगरमोज के ये नर पुष्प हैं जो अभी खिले नहीं है, तलिका के रूप में है। इस प्रकार से पंपकिन यानी कद्दू भी ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। इनको देख कर बाहर से देख के पता चल जाता है कि नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। अंडाशय यदि होगा उपस्थित तो है मादा फूल, यदि अंडाशय उपस्थित नहीं है तो वह पुष्प नर पुष्प होगा। तो ये कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में ये आराम से वैसे ही पता चल जाता है। इस प्रकार से कुछ पादप जो हैं वे पूर्ण रूप से नर पुष्प उत्पन्न करते हैं या मादा पुष्प उत्पन्न करते हैं या दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यह भांग है, इसमें नर पौधा अलग होता है, उसमें पूरी तरह नर पुष्प हो गए हैं, इनमें केवल परागण बनने हैं, और भांग का नर पुष्प वाला पौधा है, नर पौधा है, इसमें केवल नर पौधे होंगे, और यह मादा पुष्प है, मादा पादप है, और इसमें बीज बनते हैं। तो नर पुष्प में उसमें बीज नहीं बनते, केवल परागण बनते हैं, और मादा पुष्प जो है उसमें बीज बनते हैं। ये इसमें जो ये मादा पुष्प है इसमें केवल अंडाशय हैं और जो बाद में बीज में बन जाते हैं।